हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यासपीठ। नाउ आज ये सैलरी का लास्ट टॉपिक है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। जो भी हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं उसमें लास्ट में हम डिडक्शन देते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। अब वो डिडक्शंस कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और लास्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये तीन डिडक्शंस जो होते हैं ये एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में से माइनस किए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है फॉर असेसमेंट ईयर 20 और 21। इस ईयर में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब कि जितनी भी उसकी सैलरी हो उसमें से माइनस कर दो 50,000 रुपए। ये है फिक्स 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेकेंड, ये तब होता है जब एम्प्लॉय इसको पे करता है। अगर एक एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो भी उसको डिडक्शन मिलेगा जितना पे किया है, और मैक्सिमम 2500 रुपए तक का उसको डिडक्शन मिलता है। और लास्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस, और यहां पर यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो ही इज लाइबल फॉर दिस डिडक्शन, सॉरी एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन, लाइबल डिडक्शन। सबसे पहला, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। जितना भी इन तीनों में से कम होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। एक्चुअल रिसीव्ड जितना उसको मिला, 1/5 ऑफ सैलरी, जितनी भी उसकी सैलरी है उसका 1/5, और मैक्सिमम 5,000 रुपए जो भी है ये डिडक्टेबल होगा। तो ये डिडक्शंस इसमें से दिए जाते हैं। अब हम जब एक सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक फॉर्मेट है। इस फिक्स फॉर्मेट में हमको क्या करना है, उस सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। फिक्स फॉर्मेट में सबसे पहला हम लिखते हैं बेसिक सैलरी, जो उसकी बेसिक सैलरी हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, जो भी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे हमें गिवन है। बोनस, कमीशन, अब टैक्सेबल अलाउंसेस। अब अलाउंसेस जो होते हैं वो तीन तरह के अलाउंसेस होते हैं। एक होता है टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एक होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और एक होता है टैक्स फ्री अलाउंस। तो यहां सिर्फ हमें टैक्सेबल अलाउंस जो है वो लिखना है, पार्टली। अब ये सारे आपको याद होने चाहिए, कौन सा अलाउंस टैक्सेबल है, कौन सा अलाउंस पार्टली टैक्सेबल है, और कौन से टैक्स फ्री है। देन वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट। परक्यूजिट्स भी जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। परक्यूजिट्स में भी तीन तरह के आते हैं। सबसे पहले टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एंड लास्ट टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय। अब इसी के साथ वैल्यू भी इसकी हमें ही करनी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। जिसमें परक्यूजिट्स में रेंट फ्री हाउस है, होटल क्लब बिल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए मोटर कार है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और सर्वेंट वॉचमैन गार्डनर इनकी फैसिलिटीज है। फिर प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह सारे जो भी हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, ये मैंने लास्ट लेक्चर में स्पेशली समझाया है, इसका एक पूरा टॉपिक अलग से समझाया है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5%। जब आप इन सारी चीजों को जोड़ दोगे तब जाके वो आएगी ग्रॉस सैलरी, उसको क्या कहेंगे अपन, ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से हम इन तीन को डिडक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितना है 50,000, 50,000 फिक्स है। एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स अप टू
2500 रुपए, और एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होगा, वो भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रिसीव्ड 5000 और 1/5 ऑफ सैलरी, जो तीनों में से कम होता है। तो अब आपको बेसिकली जो अच्छे से याद करना है वो है, एक तो अलाउंसेस, इनको आप अच्छे से याद करें, एक है परक्यूजिट्स, इनको आप अच्छे से याद करें, फ्रिंज बेनिफिट्स, इनको आप अच्छे से याद करें, पीएफ और फिर डिडक्शंस। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हाउस प्रॉपर्टी भी स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस के भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउस प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।